Assalamualaikum, Class Five. Today we are going to start final term. This is your computer book. In this final term, we will study chapter number four, moving ahead with Windows. Chapter six, Microsoft Word. Chapter seven, multimedia. And chapter eight, etiquettes. Okay. So today we are going to start from uh, final term first chapter that is chapter 4 moving ahead with windows page number 35 sorry 33 open your book moving ahead with windows chapter 4 a computer system consists of various devices these devices are collectively known as computer hardware hardware is capable of doing a variety of tasks but it cannot operate on its own इट नीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र टू कैरी आउट द डिज़ायर्ड टास्क कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिवाइसिस होते हैं उसको आप डिवाइस कह लेंगे या पार्ट्स कह लें ठीक है कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंप्यूटर को आप देखेंगे तो मोनीटर है की बोर्ड है माउस सी पी यू और इस्पीकर और डिफरेंट पार्ट और हैं प्रिंटर वगैरह उसको हम पूरे को मिला के क्या कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर अब हार्डवेयर के जरिए हम डिफरेंट टास्क करवाते हैं काम करवा सकते हैं कंप्यूटर से लेकिन वो खुद ब खुद ऑपरेट नहीं होता हार्डवेयर खुद ब खुद ऑपरेट नहीं होता इट नीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र टू कैरी आउट द डिज़ायर्ड टास्क हार्डवेयर को जरूरत होती है इंस्ट्रक्शंस की जो यूज़र देता यान जो है यानी इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर को उसको हम यूजर कह रहे हैं यूजर इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को तब वो टास्क परफॉर्म करेगा व्हेन कंप्यूटर्स वर फर्स्ट डेवलप्ड इंस्ट्रक्शन वर फेट

कि जो ये सारे काम करता है हार्डवेयर कंट्रोलिंग वाले काम ठीक है तो इतनी इंस्ट्रक्शन को इतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए क्योंकि अब ये काम एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में और वही हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो परफॉर्म करता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर द यूज़र एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम तो हम ये भी कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके का एक्ट करता है इंटरफेस बना देता है कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान यूज़र के और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है वो प्रोग्राम जो हम रन कर रहे होते हैं यानी यूज़र सामने रन कर रहा होता है और कोई एक एप्लीकेशन परफॉर्म करता है यानी एक टास्क एप्लीकेशन का मतलब है, एक टास्क एक काम कर रहा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेंट कर रहे हैं तो पेंट इज़ अ एप्लीकेशन प्रोग्राम या हम टाइपिंग कर रहे हैं एमएस वर्ड में तो एमएस वर्ड उस वक्त एप्लीकेशन प्रोग्राम है ठीक है इट आल्सो मैनेज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड डज़ मैनी मोर थिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज बना रहा होता है हार्डवेयर यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम में इसके अलावा मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसकी उन सबको मैनेज करता है इसके अलावा और बहुत से डिफरेंट काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सिस का मतलब है ये कंप्यूटर सिस्टम के पास जो जो कुछ है वो उसकी रिसोर्सेज हैं जितने हार्डवेयर पार्ट्स उसके पास लगे हुए हैं जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं वो सब कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं यू हैव लर्न अबाउट द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन द पर्सनल कंप्यूटर इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन विंडोज नाइन्टी फाइव इन ईयर नाइनटीन देखिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में और बहुत से दूसरे हैं लेकिन ये विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़्यादा पॉपुलर है इसकी वजह यह है कि यूज़र फ्रेंडली आसानी से यूज़ होता है समझ में आसानी से आ जाता है सीख लेते हैं बच्चे भी सीख सकते हैं अच्छा रिलीज़ हुआ है नाइन्टी फाइव सबसे पहला जो हुआ है उसका नाम था विंडोज़ नाइन्टी फाइव क्योंकि नाइनटीन नाइन्टी फाइव में सबसे पहला विंडोज़ रिलीज़ हुई थी सिंस दैन मैनी इम्प्रूव वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज फ्राम टाइम टू टाइम अब उसके बाद से थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया जाता है और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से आ जाता है वर्जन विंडोज़ का ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विंडोज़ नाइन्टी एट नाइन्टीन नाइन्टी एट में आई उसका नाम था विंडोज़ नाइन्टी एट विंडोज़ मिलीनियम आई मिलीनियम एडिशन विंडोज़ एंटी विंडोज़ टू थाउजेंड विंडोज़ एक्स पी विडोज विस्टन विडोज़ सेवन और अभी ये प्रोसेस कंटिन्यू है ठीक है डेवलप होती है नई उसमें आ, उसमें एडवांसमेंट की जाती है और एक नया वर्जन विंडोज़ का आ जाता है यू हैव लर्न अबाउट विंडोज इन योर प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न सम मोर फीचर ऑफ विंडोज़ रिमेंबर यू माइट नोटिस अ फ्यू डिफरेंस इन द फीचर्स मैंशन हियर एंड योर कंप्यूटर बिकॉज डिफरेंट वर्जनस ऑफ विंडोज आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेस देखें अगर इम्पोटेंट बात यह है कि जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे विंडोज़ के बारे में तो उसके फ़ीचर्स के बारे में हो सकता है आपके कंप्यूटर में विंडोज़ के वो फीचर ना हो चेंज हो क्यों क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि विंडोज़ के, के वर्ज़न अलहद अलहदा हैं आपके पास हो सकता है कोई नया वर्ज़न हो या पुराना वर्जन हो जो वर्ज़न हम बुक में पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत फ़ीचर्स फ़र्क हो जाते हैं अब इसमें फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग विंडोज़ विंडोज़ को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं वैन यू स्विच ऑन कंप्यूटर विंडोज़ गैट्स लोडेड ऑटोमेटिकली तो इसको हमें कोई ख़ास तरीका नहीं है स्टार्ट करने का हम सिर्फ कंप्यूटर का स्विच ऑन करेंगे विंडोज़ को बहुत लोड हो जाती है द विंडोज डैस्क टॉप अपेयर ऑन स्क्रीन अब थोड़ी देर के बाद जब विंडोज़ लोड हो जाती है ठीक है जब ब्लैक स्क्रीन और वो टैक्स वाला एरिया टैक्स वाला पार्ट ख़त्म होता है तो वही प्रोसेस असल में लोडिंग का हो रहा होता है उसके बाद आपके पास जो फर्स्ट स्क्रीन आता है उसको हम देते हैं विंडोज डैक्टॉप द डैक्टॉप इज द स्क्रीन विच इज़ दर्क स्पेस फॉर विंडोज अब डेस्कटॉप ही वही स्क्रीन है जिसको हम कह सकते हैं विंडोज़ की वर्क स्पेस है ठीक है उसका नाम इसी वजह से हमने डेस्कटॉप रखा है जैसे कि आप एक जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप डेस्क टॉप के ऊपर रख के अपने सारा काम कर रहे होते हैं बुक्स कॉपीज वगैरह ठीक है तो काम करने में आपको आसानी होती है इस तरह विंडोज आपको एक डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देता है जहाँ पर सारी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं तो जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं इट अलाउ द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर द विंडोज डेस्कटॉप हैज़ हेज़ वेरियस कम्पोनेंट एचू इन द फिगर ब्लो लुक एट दिस डाइग्राम पिक्चर इसमें आप देखें दिस इज द विंडोज़ डेस्कटॉप आफ्टर बूटिंग दिस स्क्रीन इज द पेयर विच इज कॉल्ड विंडोज डेस्कटॉप सबसे पहला स्क्रीन ये नजर आएगा जब तक ये नज़र नहीं आएगा आप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते जब आपको डेस्कटॉप नजर आ जाता है तो आप कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल पिक्चर्स हैं ठीक है उनके नेम भी लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं आइकन्स नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार जा रही है ठीक है इसको हम कहते हैं टास्क बार इसी बार पे राइट right साइड पे क्लॉक है और दूसरा आइटम भी है और लेफ्ट साइड पे स्टार्ट बटन है ठीक है और पीछे बैकग्राउंड में आपको या तो कलर होगा या कोई पिक्चर होगी अब इसको डिटेल पढ़ लेते हैं विंडोज़ डेस्कटॉप के डिफरेंट पार्ट विंडोज़ डेस्कटॉप नंबर वन पार्ट टास्क बार द टास्क बार इज़ अ हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ विंडोज डेस्कटॉप सबसे नीचे विंडोज डेस्कटॉप के एक हॉरिजॉन्टल बार है हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू अर्थ चल रही है उसको हम कहते हैं टास्क बार इट डिस्प्ले ऑल द एक्टिव एप्लीकेशन ऑल प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर अब यहाँ पर सारे के सारे एक्टिव एप्लीकेशन नज़र आ रहे होते हैं यानी कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम करंटली रनिंग है वो नजर आ रहे होते हैं अब इसके डिफरेंट पार्ट इन्होंने दिखाए हैं दोबारा ये स्टार्ट बटन है ये शॉर्टकट हैं जो प्रोग्राम हमने ओपन किए हुए उनके बटन की फॉर्म में यहाँ नजर आ रहे होते हैं अच्छा और ये क्लॉक है द टास्क बार कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन इट्स लेफ्ट कॉर्नर एन अ क्लॉक ऑन इट्स राइट कॉर्नर इट डिस्प्ले द बटन फॉर द एक्टिव एप्लीकेशन अब ये वही जो अभी बताया कि राइट साइड पे क्लॉक है लेफ्ट पे स्टार्ट बटन है और बीच में सेंटर में जो है ना एक्टिव एप्लीकेशन यानी जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो नज़र आ रहे होते हैं यू कैन चेंज द डेट एंड टाइम सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर बाई डबल क्लिकिंग ऑन द क्लॉक ऑन द राइट कॉर्नर अब राइट कॉर्नर पर जो क्लॉक नजर आ रही है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आप डेट और टाइम अपने कंप्यूटर का सेट कर सकते हैं फिर इस्टार्ट मेन्यू जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल जाती है जिसको हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू बाई क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन इन द टास्क बार हैन्यू ऑफ वेरियस लिंक पॉप अप्स दिस मैन्यू कॉल द स्टार्ट मैन्यू कंटेन ऑल द लिंक दट आर रिक्वायर टू यूज एंड मैंटेन द कम्प्यूटर और जैसे ही स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे मैन्यू अपेयर होगा उसमें मुख्तलि लिंक्स होंगे ठीक है अब स्टार्ट मेन्यू कहते हैं उसे स्टार्ट मेन्यू से ही जो है हम पूरा कम्प्यूटर में जो जो चीज़ें हैं उसको हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप पे एक और चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं आइकन आइकन्स द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एस आइकन छोटी छोटी पिक्चर है डेस्कटॉप पे उसको हम आइकन कह रहे हैं दे आर शॉर्टकट टू वेरियस प्रोग्राम और ऑल फाइल्स अब ये जो है ये शॉर्टकट हैं ठीक है ये जो आइकन हैं असल में ये शॉर्टकट हैं जो प्रोग्राम कंप्यूटर में स्टोर हुए हुए होते हैं वो आप स्टार्ट प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम से जाकर भी जा सकते हैं या आप बाई कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करके और फोल्डर में जहाँ सेव है वो सब फोल्डर सब फोल्डर करके भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप uh, पे बना हुआ होता है जिससे आप डबल क्लिक करके वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर uh, यूज़ कर सकते हैं ऑन डबल क्लिकिंग दीज आइकन द प्रोग्राम द फाइल रिप्रजेंटिंग बाई दैम कैटेक्सी एग्जीक्यूटेड जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे आइकन पर तो वो प्रोग्राम खुल जाएगा अब सामे इंपॉर्टेंट आइकन है जो आपको डेस्क टॉप पर नज़र आते हैं ठीक है जिनमें माई कंप्यूटर है कंप्यूटर का सारा इसके अंदर पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं माई डॉक्यूमेंट है, है जहाँ आपने सेव की हुई है फाइल्स वो नज़र आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोर है, है यहाँ से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं ये एक वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है यह आपकी मर्जी होती है कि आप वर्ड ज़्यादा यूज़ करें तो इसका आइकन बना लें डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन है ऑल अवर डिलेटेड फाइल गोज टू द रिसाइकल बिन जो हम डिलीट करते हैं सब रिसाइकल बिन में जाता है माई नेटवर्क प्लेस है ये जब यूज़ होता है जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में हो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है इसके अलावा विंडोज मीडिया प्लेयर है ये सब हम बना सकते हैं आइकन हम बढ़ा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं ओके लेटेस्ट स्टडी द फंक्शन ऑफ सम आइकन अपेयरिंग ऑन द डेस्कटॉप अब कुछ आइकन और उनके फंक्शन हम पढ़ लेते हैं जो हमें डेस्कटॉप पे नज़र आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है माई कंप्यूटर ठीक है लिखा हुआ होगा उसके नीचे माई कंप्यूटर और ये पिक्चर बनी हुई होगी बाई डिफॉल्ट माई कंप्यूटर गिव्स द डिटेल ऑफ़ ऑल दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द कंप्यूटर माई कंप्यूटर में असल में क्या होता है डबल क्लिक करेंगे तो क्या नज़र आएगा आपको जो जो पार्ट्स कंप्यूटर में हैं वो माई कंप्यूटर में पूरी डिटेल से नज़र आएंगे टू ओपन द माई कंप्यूटर विंडो डबल क्लिक ऑन दिस आइकन द फॉलोइंग विडो बिला जैसे ही आप माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं उसकी पिक्चर पे आइकन की तो आपको ये विंडो नज़र आएगी एट दिस विंडो अब इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको ये देखेंगे माई कंप्यूटर लिखा है इसके आप अंदर हैं इस वक्त माई कम्प्यूटर के तो इसमें सी ड्राइव डी ड्राइव ई और एफ़ इसमें एक्चुअली हार्ड डिस्क के पार्टीशन नज़र आ रहे हैं अब आपकी आपके कंप्यूटर में जितने पार्टीशन हैं उतने विजिबल होंगे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि सी ओ डी हों या ई तक हों या एफ तक हों ठीक है और उसके अलावा अगर सी ड्राइव लगी हुई है तो सी ड्राइव एफ एफ आखिरी है आपका हार्ड डिस्क पार्टीशन तो उससे अगले वाला सी ड्राइव को दे देते हैं लेटर और उस ए और बी जो होता है वो फ्लॉपी ड्राइव के लिए रखा जाता है पर फ्लॉपीस पहले यूज़ होती थी अब तो यूज़ नहीं हो रही हैं लेकिन फिर भी ए और बी लेटर जो है वो फ्लॉपी ड्राइव के लिए यूज़ होता है फ्लॉपी ड्राइव अगर कंप्यूटर में लगी हुई है तो यहाँ पर विजिबल होगी माई कम्प्यूटर विंडो शो आ नंबर ऑफ आईकन विच रिप्रजेंट वेरियस डिस्क ड्राइव इंस्टॉल ऑन दम्प्यूटर एंड अलाउ एक्सेस टू फाइल्स एंड फोल्डर प्रेजेंट इन दैम माई कंप्यूटर आपको शो क्या कर रहा है मुख्तफ आइकन शो कर रहा है वो असल में आपकी हार्ड डिस्क पार्टीशन है डिफरेंट ड्राइव्स हैं जो कंप्यूटर में लगे हुए हैं और अगर आप उसमें भी डबल क्लिक करके जाएंगे तो उनके अंदर की फाइल्स और फोल्डर भी आपको नजर आएंगे सबसे पहले ये समझ लें कि माई कंप्यूटर में जो फ्लॉपी ड्राइव नज़र आ रही है इसके नीचे देखें ये आइकन होगा नीखा होगा थ्री एंड ए हाफ फ्लॉपी जो फ्लॉपी आखिर में यूज़ हुई आखिरी वक्त तक वो थ्री एंड हाफ साइज़ है ठीक है इंच और इससे पहले इससे ज़्यादा बड़े साइज़ की होती थी अब तो ये भी यूज़ नहीं हो रही आप स्लीट हो रही है दिस आइकन इन माय कंप्यूटर विंडो शो दैट योर कंप्यूटर हैज़ अ थ्री एंड हाफ इंच फ्लॉपी ड्राइव इन विच अ फ़्लॉपी कैन बी इंसर्टेड अब ये जो आइकन नज़र आ रहा है इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में एक फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है जिसमें आप थ्री एंड अ हाफ इंच वाली फ्लॉपी इंसर्ट कर सकते हैं टू व्यू द कॉन्टेंट ऑफ फ्लॉपी डबल क्लिक ऑन आइकन अब फ्लॉपी अगर आप लगा देते हैं कंप्यूटर में इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फ्लॉपी में जो स्टोर हुआ हुआ है वो नजर आएगा फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है सी डी की तरह या यू एस बी की तरह सेकेंड दिस आइकन नज़र आ रहा है ये आपको जैसे यहाँ नज़र आ रहे हैं सारे दिस शो दैट द कंप्यूटर हैज़ हार्ड डिस्क ड्राइव इसका मतलब है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है उसको हम शॉर्ट में एच डी डी भी कहते हैं टू व्यू द कॉन्टेंट ऑफ एनी ऑफ द हार्ड डिस्क डबल क्लिक ऑन इट अब हमें ये तो नज़र आ रहा है ना हार्ड डिस्क के पार्टीशन है तो एक ही हार्ड डिस्क उसके मुख्तफ पार्टीशन कर दिए जाते हैं अगर फॉर एक्जाम्पल हमने देखना है सी में क्या इंस्टॉल हुआ है तो डबल क्लिक करेंगे तो सी के अंदर जो भी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं वो नजर आ जाएंगे इसी तरह डी में या ई e में इसके बाद ये आ, माई कंप्यूटर का देखें ये है सी डी ड्राइव इस पर सी डी भी बनी हुई है ठीक है सी डी ड्राइव दिस शो दैट द कंप्यूटर हैज़ अ सी डी रोम और डी वी डी रोम ड्राइव इन विच आ सी डी और आ सी डी आ डी डी कैन बी इंसर्टेड इस ड्राइव का मतलब होता है अगर ये नज़र आ रही है आपको माई कंप्यूटर के अंदर तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में सी डी रोम या डी वी डी रोम लगी हुई है जिसमें आप सी डी या डी वी डी चला सकते हैं टू व्यू द फाइल एन द फोल्डर प्रेजेंट इन द सी डी और डी वी डी डबल क्लिक ऑन दिस आइकन और इसी तरह इसमें भी है कि अगर आपने कंप्यूटर में सी डी ड्राइव के अंदर सी डी डाली है तो आप यहाँ से जाइए माई कंप्यूटर में आए माई कंप्यूटर में सी डी ड्राइव पर डबल क्लिक करें तो सी डी में जो कुछ भी है इंस्टॉल हुआ हुआ वो, वो आपको नजर आ जाएगा ओके okay, क्लास आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे माई डॉक्यूमेंट आइकन ओके थैंक यू